खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नए भारतीय पासपोर्ट में नजर आ रहे कमल के फूल पर हो गई है सियासत गर्म। सत्तारूढ़ बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल के निशान को पासपोर्ट में जगह देने पर कांग्रेस ने संसद में हंगामे के साथ शिकायत दर्ज कराई। वहीं सरकार ने साफ कर दिया है कि कमल का निशान सुरक्षा फीचर है और इस तरह के निशान आगे भी पासपोर्ट में इस्तेमाल किए जाएंगे। नए भारतीय पासपोर्ट पर छपा यही वो कमल निशान है जिसने विरोधियों को सरकार पर निशाना साधने का नया हथियार दे दिया। केरल के कोझिकोड में कमल निशान वाले ऐसे पासपोर्ट बांटे गए हैं जिसमें कवर पेज के पीछे क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी के दस्तखत के पास कमल के फूल की आकृति बनी है। केरल से कांग्रेस सांसद एमके राघवन ने लोकसभा में ये मुद्दा उठाते हुए सरकार पर राजनीतिक एजेंडा के तहत पासपोर्ट में बीजेपी के चुनाव चिन्ह छपवाने का आरोप लगाया ताकि पार्टी का प्रचार हो सके। This is again a further self-organization of government establishments. I urge the government that the book list should be immediately withdrawn and high-level inquiry be ordered in the matter. विवाद बढ़ने पर अब विदेश मंत्रालय को सफाई देनी पड़ी क्योंकि पासपोर्ट विभाग विदेश मंत्रालय के अधीन ही काम करता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि ये सिक्योरिटी फीचर का मामला है न कि कोई राजनीतिक एजेंडा। हाँ, मैंने भी रिपोर्ट ऐसे देखी तो जो ये सिंबल है, ये सिंबल क्या है? ये सिंबल हमारा नेशनल फ्लावर का है और ये दिस इज पार्ट ऑफ द एनहांस्ड सिक्योरिटी फीचर टू आइडेंटिफाई फेक पासपोर्ट्स। एंड फ्रेंकली ये हम बताना नहीं चाहते थे लेकिन चूंकि सवाल आया तो हमें बताना पड़ रहा है। और ये जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं, नए सिक्योरिटी फीचर्स हैं, दे हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड एज पार्ट ऑफ द ICAO गाइडलाइंस। बट मैं ये भी बता दूं कि लोटस के अलावा और भी सारे नेशनल सिंबल्स हैं जो रोटेशन पे यूज होंगे, तो बेसिकली एक बास्केट ऑफ सिंबल्स हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि ये सिक्योरिटी फीचर का मामला है न कि कोई राजनीतिक एजेंडा। विदेश मंत्रालय भले ही इसे सुरक्षा फीचर का मामला बता रहा हो लेकिन सवाल ये भी है कि असंख्य आकृतियों में पासपोर्ट पर कमल का ही निशान क्यों? क्या जानबूझकर पासपोर्ट के भगवाकरण की कोशिश है या अनजाने में हुई एक चूक?